Hello friends, hope you all are fine and safe. So today's video topic are flowers name. So now let's start. Gulab. Gulab ko English mein kahenge rose. Rose matlab gulab. Genda. Genda ko English mein kahenge marigold. Marigold matlab genda. Kamal. Kamal ko English mein kahenge lotus. Lotus matlab kamal. छुई मुई, छुई मुई को इंग्लिश में कहेंगे टच मी नॉट मतलब छुई मुई। कनेर, कनेर को इंग्लिश में कहेंगे ओलियंडर, ओलियंडर मतलब कनेर। गुड़हल, गुड़हल को इंग्लिश में कहेंगे हिबिस्कस, हिबिस्कस मतलब गुड़हल। रात की रानी को इंग्लिश में कहेंगे नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन, नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन मतलब रात की रानी। सूरजमुखी, सूरजमुखी को इंग्लिश में कहेंगे सनफ्लावर, सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी। चंपा, चंपा को इंग्लिश में कहेंगे प्लमेरिया, प्लमेरिया मतलब चंपा। मोगरा, मोगरा को इंग्लिश में कहेंगे अरेबियन जैस्मिन, अरेबियन जैस्मिन मतलब मोगरा। नीलकमल, नीलकमल को इंग्लिश में कहेंगे वाटर लिली, वाटर लिली मतलब नीलकमल। चमेली, चमेली को इंग्लिश में कहेंगे जैस्मिन, जैस्मिन मतलब चमेली। कृष्ण कमल, कृष्ण कमल को इंग्लिश में कहेंगे पैशन फ्लावर, पैशन फ्लावर मतलब कृष्ण कमल। पोस्ता, पोस्ता को इंग्लिश में कहेंगे पोपी, पोपी मतलब पोस्ता। नरगिस, नरगिस को इंग्लिश में कहेंगे डैफोडिल, डैफोडिल मतलब नरगिस। गुलबहार, गुलबहार को इंग्लिश में कहेंगे डेजी, डेजी मतलब गुलबहार। सदाबहार, सदाबहार को इंग्लिश में कहेंगे पेरिविंकल, पेरिविंकल मतलब सदाबहार। नलिनी, नलिनी को इंग्लिश में कहेंगे ट्यूलिप, ट्यूलिप मतलब नलिनी। डहेलिया, डहेलिया को हम इंग्लिश में डहेलिया ही कहेंगे। कुमुदनी, कुमुदनी को इंग्लिश में कहेंगे लिली, लिली मतलब कुमुदनी। At last, please like, share and subscribe my channel. Thank you.